हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूँ गोपालदास बैरागी। आप देख रहे हैं गोपालदास बैरागी यूट्यूब चैनल। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें व अधिक से अधिक कमेंट्स बॉक्स में अपने राय व सुझाव हमें प्रेषित करें, ताकि हम बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से आप तक अपने विचार वीडियो के माध्यम से प्रेषित कर सकें। साथ ही बेल को जरूर जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए हर वीडियो आप तक सहजता से पहुंच सके व मेरे जो विचार है वो आप तक पहुंच सके। वीडियो को पूरा जरूर जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप बीच में वीडियो को मिस करते हैं तो आप कहीं ना कहीं जानकारी से बाकी रह जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं अखिल भारतीय साक्षरता राष्ट्रीय प्रमुखता राष्ट्रीय सर, मैं MP से MP से कम से कम यहाँ पर 400-500 लोग आए हुए। 31 मार्च 2018 को पूरे भारतवर्ष के 26 राज्यों में 5.5 लाख साक्षरता प्रेरकों को BJP शासनकाल में बाहर कर दिया गया। जब से ही पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी साक्षरता प्रेरकों की लड़ाई जोर शोर से चल रही है। इसी बीच हमारे कई साक्षरता प्रेरक मानसिक तनाव के कारण आत्मदाह का भी रास्ता चुनने लग गए हैं। कई भुखमरी की कगार पे अपनी जान खो दी उन्होंने। इसी पीड़ा को देखते हुए हमें 4 अप्रैल 2017 को भी हमने माननीय जावड़कर जी को चेतावनी देके गए थे कि अगर हमारी सेवा बहाली नहीं करते तो फिर हम भारी संख्या के साथ आएंगे, और इस कड़कती ठंड में फिर हम आए हैं। और अब अगर हमारी मांगे जो पूरी नहीं होती और हमारी जावड़कर जी से भेंट अगर नहीं कराई जाती है, यहाँ पर LIO के द्वारा उनको चेतावनी देते हैं, तो हम पूरे भारतवर्ष में लोकसभा चुनाव में इनके भाजपा पार्टी के विरोध में खड़े होंगे और एक आंदोलन चलाएंगे। भाजपा भगाओ प्रेरक बचाओ नाम से चलाया जाएगा, और इस आंदोलन की एक चिंगारी चलाएंगे कि पूरे भारत में BJP सत्ताहीन हो जाएगी और मोदी जी का शासनकाल समाप्त हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल्कुल ये मान के चलिए कि हम साक्षरता प्रेरक जमीन पे इनकी जो समस्त योजनाएं रहती है, इन योजनाओं को जमीन पे ग्राम पंचायत प्रेरक ने चलाया है। स्वच्छ भारत का जो सपना हमारे प्रधानमंत्री जी जो देख रहे हैं, इस सपने का पूरा करने के लिए सबसे पहले साक्षरता। पूरा देश अगर साक्षर नहीं होगा तो कैसे स्वच्छ भारत का सपना दिखेगा? क्या आप अपने कोई जनप्रतिनिधि चुनाव के मैदान में उतारेंगे? बिल्कुल उतारेंगे। अगर लोकसभा चुनाव में अगर हम हर एक स्टेट से एक लोकसभा सांसद के लिए हम हमारा प्रत्याशी खड़ा करेंगे और चुन के इस लोकसभा सांसद में बैठाएंगे जो हमारी मांग को लोकसभा सदन में उठाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। लड़ाई के लिए आए हैं, हमारा 35 से 40 माह का मानदेय पूरे 26 प्रदेश में बकाया है, विभिन्न विभिन्न जगहों पर अलग अलग अंतराल पे बकाया है। तो ये कब से नहीं दिया गया आपको? करीब 2 साल से ऊपर हो गया। तो 2 साल से अब तक आपने कोई लड़ाई नहीं लड़ी? हम हमेशा जंतर मंतर पे और अपने अपने स्टेट में 2600 प्रदेश में धरना ज्ञापन देते रहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। अभी 2019 में चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के जी, तो आपके जितने भी यहाँ लोग आए हुए हैं तो कैसा निर्णय लेंगे आप? यदि हमारी मांगे नहीं पूरा होती है तो जिस तरह से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और तेलंगाना में भाजपा को हार का मुंह का सामना करना पड़ा है, उसी तरह हम पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की अगेंस्ट जाएंगे, और जो हमारी मांगों को पूरा करने का वादा करेगा हम उसके साथ जाएंगे। तो अब अगर अभी आपकी बात नहीं मानी जाती तो आगे का आपका कार्य कदम क्या होगा? हमारा आगे का कार्यक्रम है कि हम पूरे देश में समस्त विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों को लामबंद करेंगे, और जितने भी विभाग में कार्यरत संविदा कर्मी है, संविदा कर्मचारी आयोग की मांग करेंगे, पेंशन बहाली की मांग करेंगे। सभी मांगों को मैं अपने बैनर पे दर्शाया हूँ, और इस क्रम में हम हर स्टेट में रैली करेंगे। जिस तरह से राजनाथ सिंह और अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में रैली करके 17.5 लाख कर्मचारियों का संविदा कर्मियों को उन्होंने वादा किया था कि हम रेगुलर करेंगे सरकार बनने के बाद, लेकिन उन्होंने हमारी मांगों को ठुकरा दिया, अपने वादे को भूल गए। इस क्रम में हम ऐलान करते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी प्रेरक और समन्वयक मोर्चा की बातों को नहीं मानती है और हमारा मानदेय तत्काल भुगतान एक मुश्त करती है और हमारी सेवा बहाली
समान कार्य समान वेतन देते हुए करती है तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, अगर नहीं करती है तो इसके विरोध में हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे। अप्रैल 2016 को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के झूलेलाल पार्क में 17.5 लाख कर्मचारियों का आह्वान किया था। संविदा कर्मी जो थे, जो कांटेक्ट पे आंगनबाड़ी बहने, फिर रोजगार सेवक, अनुदेशक, प्रेरक, समन्वयक, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, सबको लामबंद करके उन्होंने वादा किया था। पीआरडी, होमगार्ड, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सबसे सबको इकट्ठा किया था।